श्री होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 16 फरवरी 2018 को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका 7 राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहने वाला है। 16 फरवरी को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। इससे पहले पिछले महीने की 31 जनवरी 2018 को पहला साल का चंद्र ग्रहण हुआ था जो कि पूरे भारत वर्ष में दिखाई दिया था। इस साल पूरे 3 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण 15 फरवरी से शुरू होकर 16 फरवरी 2018 तक रहेगा। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण 12:25 से शुरू होगा, लेकिन भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। ग्रहण का मोक्ष सुबह 4 बजे होगा। सूर्य ग्रहण दक्षिण जॉर्जिया, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, ब्राजील, चिली इत्यादि देशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण के कारण 16 फरवरी के बाद कुछ राशियों पर इसका नकारात्मक असर रहेगा तो कुछ राशियों पर इसका सकारात्मक असर रहेगा। आइए हम जानते हैं किस राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा इस सूर्य ग्रहण का। मीन राशि की अगर हम बात करें तो यह सूर्य ग्रहण उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो कि मीन राशि के जातक हैं। उनके परिवार में वाद विवाद हो सकता है और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें तो उन्हें संतान से कष्ट होगा, वाहन से हानि होने की भी संभावना नजर आ रही है, इसलिए वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी अवश्य ही बरतें। मकर राशि वालों की अगर हम बात करें तो उनके स्वास्थ्य संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है एवं गुप्त रोग की भी आशंका दिखा रहा है। तुला राशि वाले जातकों की अगर हम बात करें तो उनके लिए साधारण लाभ होगा, लेकिन खर्चा इतना अधिक हो जाएगा कि उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। धनु राशि वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उनके गृहस्थ जीवन में तनाव होगा, चिंता एवं संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। सिंह राशि वाले लोगों के लिए बात करें तो उनके वैवाहिक जीवन में कष्ट आएगा और कार्य में विलंब होगा। कन्या राशि वाले जातकों को शत्रुओं से काफ़ी पीड़ा पहुँचेगी, शत्रु उनका नाश करने में तत्पर रहेंगे। कर्क राशि वाले लोगों की अगर हम बात करें तो उन्हें मान सम्मान में हानि हो सकती है एवं धन की हानि भी दर्शा रहा है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो उनका गृहस्थ संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। यह ग्रहण उन लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है एवं उन्हें काफ़ी मानसिक पीड़ा भी पहुँचेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल श्री होम रेमेडीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।